और आप देख रहे हैं न्यूज 11। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं। योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हिंडन एयरपोर्ट से दिल्ली के यूपी सदन के लिए होंगे रवाना। पीएम मोदी गृहमंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम नेताओं से करेंगे मुलाकात। शपथ ग्रहण की तिथि, मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा संभव। योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए हुए रवाना। हिंडन एयरपोर्ट से दिल्ली के यूपी सदन के लिए होंगे रवाना। और पीएम मोदी गृहमंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। शपथ ग्रहण की तिथि, मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा संभव। योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के लिए रवाना योगी आदित्यनाथ। हिंडन एयरपोर्ट से दिल्ली के यूपी सदन के लिए होंगे रवाना। और इसी खबर पर हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ गए हैं। अमित जी, क्या जानकारी आ रही है? आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है केंद्रीय जो नेता है उनसे? अमित जी, जिस तरह से आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, तो क्या किन मुद्दों पर चर्चा संभव है आज? तो वापस जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिस वक्त ये बड़ी खबर जो आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रिमंडल का जो गठन होना है, शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसको लेकर आज चर्चा संभव हो सकती है, क्योंकि आज केंद्रीय नेताओं से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। प्रचंड बहुमत के बाद अब सरकार बनाने की तैयारी, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। और शपथ ग्रहण की तिथि और मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा संभव है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। और दिल्ली के लिए रवाना हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हिंडन एयरपोर्ट से दिल्ली के यूपी सदन के लिए रवाना होंगे योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ गए हैं। अमित जी, क्या जानकारी आ रही है? आप शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा संभव हो सकती है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी में खासतौर पे चाहे यूपी की बात करें या तमाम राज्यों की बात करें, मंत्रिमंडल का कन्फर्मेशन जो है वो केंद्रीय नेतृत्व ही करता है जी। और ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि अब जो है यूपी के तमाम काम, चाहे वो संगठन की बैठक हो या अधिकारियों के साथ बातचीत हो, तमाम चीजें इस्टेब्लिश करने के बाद योगी आदित्यनाथ जो है वो आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। और इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तमाम नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होनी है। और इस मुलाकात के दौरान जो है शपथ ग्रहण कब होगा, कौन सी तारीख होगी, इसे लेके भी डिसीजन होना है। साथ ही नए मंत्रिमंडल में कौन कौन से लोग होंगे, हालांकि इसकी एक मोटा मोटी रूपरेखा जो है वो यूपी में एक तरह से तैयार हो चुकी है और उन नामों को लेके यहाँ पे केंद्रीय नेतृत्व सामने रखा जाएगा। उसमें कुछ नाम घटाए जाएंगे, कुछ नाम बढ़ाए जाएंगे और कुल मिलाके मंत्रिमंडल जो है फाइनल हो जाएगा। इस बार का स्वरूप थोड़ा दूसरा है। इस बार योगी आदित्यनाथ खुद भी मंत्रिमंडल का चयन कर रहे हैं, यानी पे संगठन भी कर रहा है। अगर हम 2017 की बात करें तो तब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, तो ऐसे में खुद योगी आदित्यनाथ का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने फाइनल किया था। जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उसी दिन योगी जो है वो दिल्ली से रवाना हुए थे। तो जाहिर तौर पे केंद्रीय नेतृत्व के साथ आज कई बड़ी बैठकें होने वाली है। सबसे न सिर्फ डेट का कंफर्मेशन होगा कि कब शपथ ग्रहण समारोह होगा, बल्कि साथ साथ इन्विटेशन भी दिया जाएगा
क्योंकि माना ये जा रहा है कि जब योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह होगा यूपी में, तो उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेके दिल्ली केंद्रीय दिल्ली सरकार के या केंद्र सरकार के कई कैबिनेट मंत्री जो है उस दौरान वहाँ पे मौजूद रहेंगे जी। और अमित जी, जिस तरह से मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो सकती है, तो वो कौन कौन से नाम संभावित जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, उसको लेकर कोई जानकारी आ रही है? देखिए, फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं, जो तमाम मंत्री पहले से, उनमें लगभग 10 मंत्री जो है वो चुनाव हार चुके हैं, यानी वो रेस से बाहर है, उसमें से एक दो को हो सकता है आने वाले दिनों में शामिल किया जाए, क्योंकि यूपी एक ऐसी जगह जहां विधान परिषद भी है और एमएलसी के जरिए आप विधायक बन सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज कि दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम को लेके है, डिप्टी सीएम को लेके भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि जो मंत्रिमंडल पहले था उसमें भी 10 से 12 मंत्री ऐसे होंगे जो कि शपथ नहीं लेंगे, यानी इस बार उन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी और उसकी जगह पे नए चेहरे जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। तो तमाम ऐसे नाम है, अगर हम खासतौर पे प्रशासन से जुड़े लोगों की बात करें तो असीम अरुण की बात करें, राजेश्वर सिंह की बात है, या अन्य तमाम अन्य नेता, बेबी रानी मौर्य जो कि गवर्नर थी, उनका नाम जो है वो डिप्टी सीएम की रेस में भी आगे लगातार चल रहा है कि उन्हें, क्योंकि दलित वोट बैंक जो है लगातार बीजेपी के साथ जुड़ा है, वो अपने यहाँ भी बड़े मार्जिन से जीती है, तो ऐसे में डिप्टी सीएम का दावेदार एक बेबी रानी मौर्य को भी माना जा रहा है। और हो सकता है कि दिनेश शर्मा को हटा दिया जाए और उनकी जगह पे कोई दूसरा चेहरा वहाँ पे डिप्टी सीएम के रूप में आए, तो कई सारे विकल्प होते हैं। बीजेपी के जो डिसीजन होते हैं वो अंदरूनी रूप से होते हैं, तमाम तरह के कयास जरूर लगाए जाते हैं, लेकिन हमने तमाम डिसीजन देखे हैं कि किस तरह के निर्णय जो है वो बीजेपी हमेशा से लेती रही है। चाहे उत्तराखंड का देखें कि तीरथ सिंह रावत को किस तरह न सिर्फ मुख्यमंत्री बनाया गया बल्कि 2 महीने के बाद उनका रेजिग्नेशन भी दिलाया गया, तो कई सारी चीजें बीजेपी एक्सपेरिमेंट के तौर पे करती है और यहाँ भी उस तरह की चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। तो अभी जी, अब जो योगी आदित्यनाथ जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं जैसा की खबर आ रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात का समय कितना है, कितने देर तक ये जो बैठक है वो चलने वाली है, क्योंकि मंथन होगा, काफी लंबी चर्चा हो सकती है शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल को लेकर? देखिए, टाइमिंग अभी कंफर्म नहीं है। 11:30 बजे योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से वो यूपी सदन आएंगे, तमाम मंत्रियों या प्रधानमंत्री बात करें, गृह मंत्री बात करें, हरेक के पास प्रपोजल भेज दिया गया है कि मुख्यमंत्री मिलना चाहते हैं और बहुत जल्द सबका समय जो है कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें जो है वो पहले से नियत होती हैं और ऐसे में एक एक करके सबका टाइम कंफर्म होगा, उस टाइम के साथ ही जो है मुख्यमंत्री लगातार लोगों से मुलाकात करेंगे। और चूंकि जिसमें बात कर रहा हूँ यहाँ पे कई चीजें और जो चर्चा होनी है, मंत्रिमंडल की चर्चा होनी है, तो स्वतंत्र देव सिंह भी वहाँ यहाँ बैठक में मौजूद होंगे, सुनील बंसल भी मौजूद होंगे, केंद्रीय संगठन मंत्री बी एल संतोष भी मौजूद होंगे, तो एक मोटा मोटी एक बैठक भी होनी है लोगों के साथ मिलने के अलावा। माना ये जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहाँ एक बैठक होगी जहाँ तमाम चीजें फाइनल की जाएंगी और फाइनल के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री की मुहर भी इस पे लगेगी। तो कई सारी चीजें हैं, लंबी बैठकें होने वाली हैं, लेकिन बैठक तो बीजेपी ऑफिस में भी होगी, जेपी नड्डा के घर पर भी होगी। और दूसरी बड़ी चीज की जो प्रधानमंत्री यहाँ लोगों से मिलने का टाइम है, वो भी सिलसिला जो है वो अब योगी आदित्यनाथ जैसे दिल्ली पहुंचेंगे उसके बाद चालू हो जाएगा। जी जी, अभी जी एक आखिरी सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ के साथ स्वतंत्र देव सिंह और जो तमाम नेता है वो भी उनके साथ दिल्ली गए हुए हैं अभी? जी बिल्कुल, देखिये चूंकि मंत्रिमंडल का फाइनलाइजेशन होना है, तो ऐसे में बीजेपी के जो यूपी अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, तो वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे, संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे और जो प्रभारी है राधा मोहन सिंह वो भी मौजूद रहेंगे। हालांकि जब यूपी में तमाम चीजों को लेके माथापच्ची हो रही थी तो उस दौरान लखनऊ में भी राधा मोहन सिंह मौजूद थे और यहाँ भी वो तमाम लोग जो है वो इस बैठक में मौजूद होंगे जो की मंत्रिमंडल का स्वरूप तय करेंगे। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद चर्चा होगी शपथ ग्रहण को लेकर और मंत्रिमंडल का जो चयन किया जाएगा उसको लेकर चर्चा होगी। तो इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, साथ में जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ उनकी मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात होगी, गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होगी, तो ये तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके साथ मुलाकात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की।